हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। करेक्ट। तो पहले हमको कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, एक्स प्लस वन। पहले अगर हम एक्स लिए तो नेक्स्ट हमारा एक्स प्लस वन होगा, नेक्स्ट एक्स प्लस टू होगा। थ्री नंबर हमको चाहिए, सम ऑफ थ्री नंबर्स चाहिए, इसलिए हमने हमारा स्टार्टिंग तो एक्स से ही होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा उसके साथ प्लस वन आठ होगा और प्लस टू, उस मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका कंजुगेटिव होता जाएगा। थ्री नंबर्स मतलब थ्री नंबर हम टू तक लिए, अगर फोर नंबर पूछा जाता x प्लस थ्री, ऐसे करके आपको लेना है। तो ये हो गया हमारा कंजुगेटिव नंबर्स। पर मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब आप जो टेबल यूज करते हो वो गुना के लिए यूज करते हो, मतलब आप मल्टीप्लाई करते हो। करेक्ट। तो यहाँ पर हम एट टेबल यूज करेंगे। एट टेबल में पहले एट है, उसके बाद एट इंटू टू, देखो नेक्स्ट हमारा कितना आएगा, एट इंटू टू सिक्सटीन, एट इंटू थ्री, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एट इंटू वन एट, नेक्स्ट एट इंटू टू, नहीं एट इंटू थ्री ट्वेंटी फोर। तो ये एट का मल्टीपल है कि नहीं, और कंजिक्यूटिव है। एट के बाद हम एट के साथ टू मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्सटीन आता है, एट के उसके बाद थ्री को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फोर को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके करेंगे। हाँ, ये सब मल्टीपल्स हो गए, मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स ऑफ एट। करेक्ट। तो फर्स्ट हमको कौन सा नंबर चूज करना है, हमने एक्स लिया तो फर्स्ट नंबर हमको एट एक्स करके लेना है। फर्स्ट सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मतलब फर्स्ट वन हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट मल्टीपल नंबर, लेट करके लिखेंगे, डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, लेट फर्स्ट मल्टीपल नंबर ऑफ एट इज इक्वल टू, इसको इरेज कर देते हैं, इज इक्वल टू एट एक्स। ओके, देन सेकेंड मल्टीपल नंबर ऑफ एट इज इक्वल टू एट इंटू एक्स प्लस वन, क्योंकि ये हमारा कंजुगेटिव नंबर भी होना चाहिए, है कि नहीं, और मल्टीप्लाई होना चाहिए, एट नंबर का मल्टीपल होना चाहिए। तो एट एक्स प्लस वन हो गया। नेक्स्ट थर्ड, एट इंटू एक्स प्लस टू। नेक्स्ट हमको क्या बोला गया है, क्वेश्चन हमारा एट इज सम ऑफ, मतलब ये जो तीनों का सम मिला के 888 होना चाहिए। नाउ सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ एट इज इक्वल टू एट एक्स प्लस एट इंटू एक्स प्लस वन प्लस एट इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 888। ये तो हमको बोला है और हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अभी हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं इसके बाद, क्योंकि पहले हम स्टेटमेंट, ये सब स्टेटमेंट से इसी फॉर्म को, मतलब आपको इक्वेशन फॉर्म में लाने के लिए ये सब चीज लिखे और इसी के हिसाब से ये आ गया इक्वेशन हमारा। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसको, एट एक्स, ये एट एक्स प्लस एट प्लस एट एक्स प्लस टू सॉरी सिक्सटीन और इजिकल टू एट एट एट, अभी वन एट टू एट थ्री एट, तो टोटल हम ऐड कर देंगे कितना होगा, ट्वेंटी फोर एक्स प्लस ये एट सिक्सटीन, कितना ट्वेंटी फोर इजिकल टू 888। नेक्स्ट ट्वेंटी फोर एक्स को रहने देंगे और ये जो नंबर है
मतलब कॉन्स्टेंट नंबर है उसको हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड को, तो 888 माइनस 24, तो x इजिकल टू 888 माइनस 24 कितना आ जाएगा, एट सिक्सटी फोर, और ये 24x है, डायरेक्टली हम x लिख देंगे 864 डिवाइडेड बाय 24, और इसको हम यहाँ पर ही कर देते हैं 24 थ्री जा 72, अगर 4 जा करेंगे ये ज्यादा हो रहा है 96 हो रहा है, तो 4 नहीं जाएगा 3 होगा, तो 3 24 3 जा 72, और ये 4 4 1, तो नेक्स्ट 24 6 जा 144, 36 हमारा आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 36। ओके, तो x आने के बाद फर्स्ट मल्टीपल हमारा 8x, मैं यहां पर कर देती हूं, फर्स्ट नंबर 8 इंटू एक्स जो कि 8 इंटू 36। ओके, तो कितना आएगा, 288, एंड सेकेंड नंबर 288 के साथ, मतलब ये जो नंबर आएगा ना उसके साथ हम प्लस 1 या प्लस 8 ऐड करेंगे, सॉरी प्लस 8 ऐड कर देंगे, हाँ 8x के साथ प्लस 8 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 8 ऐड कर देंगे 296 हो रहा है। देन थर्ड नंबर 296 के साथ हम 288 के साथ हम 16 ऐड करेंगे, जो कि 16 ऐड करें तो 4 ये 0 3, तो फर्स्ट नंबर नंबर सा 288 296 एंड 304 आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली दे ऐड अप टू 74, फाइंड दीज नंबर्स, करेक्ट। सेम क्वेश्चन, देखो कंजिक्यूटिव नंबर्स, तो पहले एक्स, नेक्स्ट एक्स प्लस 1, देन एक्स प्लस 2, आपको जब कभी कंजिक्यूटिव इंटीजर्स ऐसे दिए रहेंगे ना, आपको स्टार्टिंग से एक्स एक्स प्लस 1 मतलब तीन नंबर, एग्जांपल फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 या 2, 3, 4 ऐसे करके आपको लेना है, करेक्ट। मतलब जो फर्स्ट नंबर रहेगा उसके साथ आप प्लस 1 सेकेंड नंबर होगा और थर्ड नंबर प्लस 2 ऐसे करके रहेगा कंजिक्यूटिव, हाँ। तो इंटीजर्स हो गया हमारा, तो देन दे आर टेकिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय, मतलब ये जो कंजिक्यूटिव नंबर हम लेंगे उसके साथ वो क्या बोला है कि मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मतलब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करना है, आपका जो 3 इंटीजर्स कंजिक्यूटिव नंबर रहेगा उसको मतलब एक करके, 2 आप यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 3 आप यहाँ या ऐसे ऐसे करके नहीं कर सकते, करेक्ट, क्योंकि रेस्पेक्टिवली वो ऑलरेडी ऑर्डर वाइज दिया गया है। ओके, तो उसको हम यूज करेंगे और उसका जो एडिशन होगा वो तीनों का ऐड करेंगे तो 74 आ रहा है, तो करते हैं, लेट फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है लेट 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स आर
एक्स एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू, इसे हम लिख सकते हैं। तीन चाहिए, तीन हम ले लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हमको क्या करना है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग टू थ्री एंड फोर रेस्पेक्टिवली नंबर्स आर 2x, देन 3 इंटू एक्स प्लस वन एंड 4 इंटू एक्स प्लस टू, वही होगा। उसके बाद और इन तीनों का एडिशन 74 रिजल्ट दे रहा है, हमको इक्वेशन मिल गया। नाउ 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वन प्लस 4 इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 74 बोला गया है क्वेश्चन के हिसाब से। कंजेक्यूटिव नंबर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4 और वो रिजल्ट दे रहा है एडिशन करके 74। हो गया, उसको सॉल्व कर लेंगे। 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना आ जाएगा 9x प्लस 3 प्लस 8 11 74। ये 9x इज इक्वल टू, नंबर्स को हम हमेशा राइट को ले लेते हैं, ये आ गया तो कितना आ गया 63। x इज इक्वल टू 63 बाई 9 जो कि 7, x आ गया 7। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।